कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कि क्या कारण है, या ताकत नहीं है मुख्यमंत्री को? एनडीए का चेहरा है वो, और चेहरे का क्या काम जब कोई काम ही निर्णय ही नहीं ले पा रहे खुद से? तो आप समझ सकते हैं, जब सर्वसहमति से पास है, बोलते हैं कि हम करेंगे, तब भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो और सारी चीज़ों में बिहार सरकार कैसे चल रही है, बिहार के लोग क्या झेल रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से जो आरएसएस नागपुर से दिल्ली तो चल ही रहा, लेकिन इनके काम करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार भी नागपुर से चल रही है। और हम सब लोग किसी भी हालत में जातीय जनगणना को दम खम से हम लोग उठाने का काम करेंगे। बेरोजगारी का जो सवाल है, आपने देखा ही होगा प्रश्न किस प्रकार से लीक हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं कि पेपर भी लीक हो रहा भाई बीपीएससी का। अब बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, ऐसे कैसे चलेगा? हमने तो ये भी मांग किया था कि उन छात्रों को जो दूर दराज से है कम से कम 5,000 मुआवजा दीजिए, और कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेवारी तय करेगा? अगर सरकारी नौकरी से किसी का उम्र खत्म हो जाता है इनके पेपर लीक और परीक्षा रद्द बार बार रद्द से, तो उनके लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए कि जितना समय बर्बाद हुआ है अगर उम्र खत्म हो जाती तो उनको सरप्लस टाइम आगे जो है उन छात्रों को अकोमोडेट करके मिलना चाहिए, यह सरकार को नीति बनानी चाहिए। यह बात हमने पिछले अपने मैनिफेस्टो में भी, जो हमारा संकल्प था, इसमें भी हम लोगों ने इंक्लूड किया था कि बार बार बीपीएससी के परीक्षा रद्द होने से, रिजल्ट देरी होने के कारण जो छात्र छात्राओं का उम्र खत्म होता है उसको इसमें इंक्लूड किया जाए। बेरोजगारी है हर जगह, जो है लाठी डंडा चल रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। तो इन सारे मसलों को लेकर के हम लोगों के पार्टी में सभी सीनियर वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारी चर्चा हुई है, बात हुई है, और हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने संकल्प उठाया था, अब बताए भाई भाजपा के लोग 19 लाख रोजगार कब देंगे? ये डबल इंजन की सरकार है, कमिटमेंट, अपना कमिटमेंट तक पूरा नहीं कर पाते ये लोग। अवुल जुलूल बयान जो है जिसका कोई मकसद नहीं है, वो सारी बातों पर चर्चा हो रही है, बयान दिलवाया जा रहा, दिया जा रहा है। सत्ताधारी दल के विधायक से लेके मंत्री तक क्या क्या नहीं बोल रहे, और मुख्यमंत्री खामोश बैठे हुए, कोई कदम नहीं उठा रहे, किसी को फटकार नहीं लगा रहे, किसी को निकाल बाहर नहीं कर रहे। सांप्रदायिकता फैल रही है, कहीं कोई मंदिर पर झंडा लगा रहा है और मुख्यमंत्री से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, हाथ लगाए कि बंधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से तो निर्णय तो लेना पड़ेगा कि भाई ऐसी स्थिति आ गई है बिहार में कि मुद्दे पे बात नहीं होती, मुर्दों पे बात हो रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो केवल समाज को बांटने का काम करता है, इन सारी चीजों पे चर्चा चल रही है। तो इसलिए हर एक विषय को लेकर के जो देश के हालात हैं, जो बिहार के हालात हैं, सभी लोगों के साथ पार्टी में मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, और हम राष्ट्रीय जनता दल के सभी सिपाहियों की नज़र
हर एक जगह है, हर किसी पर है। और जो बिहार के हित में है, जो देश के हित में है, उसको हम लोग उठाने का काम करें। और आप बताइए कि एक कॉलम लालू जी ने तो केंद्र सरकार से, जब हम बिहार सरकार में भी नहीं थे और केंद्र सरकार में भी नहीं थे यूपीए 2 में, तब एक सांसद के रूप में जो है लोगों ने सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस करवाया यूपीए 2 में। लेकिन यहाँ इन्हीं की सरकार है केंद्र में भी और बिहार में भी। बिहार में तो पूरा अपने चाहे तो भाई अपने खर्चे पर सरकार निर्णय ले ही सकती है, देश में नहीं होगा लेकिन बिहार में तो हो सकता है। या तो एक कॉलम जुड़वा दे अपने सहयोगियों को बोल करके। सहयोगी क्या, खुद पार्ट है भाई, आरसीपी सिंह मंत्री हैं केंद्र में, करवा ले कि नहीं करवा पा रहे हैं। एक कॉलम ही तो जोड़ना है, खर्चा नहीं होना कुछ भी। अब बताइए आसाम में जाके गृहमंत्री जी कह रहे कि ऐप बनेगा, ऑनलाइन जो है वो सर्वे करेंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। रे भाई अगर एप्लीकेशन भी बन रहा है तो एप्लीकेशन में भी एक कॉलम जुड़वा दीजिए। एक कॉलम तो जुड़ ही ना सकता एप्लीकेशन में, जो खर्चा है और साइंटिफिक डेटा तो होना ही चाहिए, पता तो चलना ही चाहिए, तो उस एप्लीकेशन में एक कॉलम ही तो जोड़ना है, खर्चा भी जीरो रहेगा। या तो वो करवा लें, या तो राज्य सरकार या नीतीश कुमार जी कैबिनेट में ला करके प्रस्ताव जो है वो पारित कर दें, नहीं तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, बोल दें कि हम बड़े कमजोर हैं, हम पे भारी दबाव है, हम अपने कुर्सी के लिए कुछ नहीं कर सकते, यही बोल दें।